आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लैपटॉप का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट वॉलपेपर सेटिंग्स के बारे में भी बताऊंगा जो आपको जरूर पता होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने लैपटॉप में वॉलपेपर को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स जैसे ही ओपन हो जाएंगी तो आपको यहाँ पर पर्सनलाइजेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करना है। लेकिन ये लंबा तरीका है इसे ओपन करने का। यदि आप शॉर्टकट से इसे ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर जाना है। होम स्क्रीन पर जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और नीचे आपको यहाँ पर पर्सनलाइज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वही सेम विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सिंपली एक बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, एक पिक्चर्स, दूसरा है सॉलिड कलर और तीसरा है स्लाइड शो और चौथा है विंडोज स्पॉटलाइट। तो चलिए मैं आपको चारों ऑप्शन एक एक करके समझा देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये पिक्चर सेलेक्ट रहता है, तो यदि जैसे ये अभी पिक्चर सेलेक्ट है तो यहाँ पर विंडोज की तरफ से हमें कुछ डिफॉल्ट वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग के ये जो चार वॉलपेपर आप देख रहे हैं ये विंडोज की तरह से हमें फ्री मिले हैं। तो यदि जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो मेरे होम स्क्रीन में ये वाला वॉलपेपर सेट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यदि मैं दूसरा कोई वॉलपेपर जैसे ये सेलेक्ट करता हूं तो मेरे होम स्क्रीन में ये वाला वॉलपेपर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपने कोई वॉलपेपर डाउनलोड किया हो इंटरनेट से या फिर कहीं से भी और आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? तो यदि आप वो सेव करना चाहते हैं तो वो करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है। ब्राउज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ भी अपना वॉलपेपर डाउनलोड करके रखा है उस लोकेशन को ओपन करना है। जैसे कि मेरा वॉलपेपर यहाँ पर है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इस वॉलपेपर को मैं सेव करना चाहता हूँ तो इसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद चूज पिक्चर पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर चूज पिक्चर पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर सेव हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने लैपटॉप की जो होम स्क्रीन है उसका वॉलपेपर चेंज करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे आपकी जो लॉक स्क्रीन है उसका वॉलपेपर आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके जो भी और भी ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर आप दूसरा कलर देखेंगे जो है सॉलिड कलर। यदि आपको कोई इमेज नहीं रखनी, कोई पिक्चर नहीं रखना, तो आप यहाँ से सॉलिड कलर चूज कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट कलर हो तो उसका वॉलपेपर आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑरेंज सेलेक्ट किया तो ये मेरे पूरे स्क्रीन में ऑरेंज सेट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला ऑप्शन यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके जो फाइल एक्सप्लोरर में पिक्चर्स वाला जो ऑप्शन, तो उसमें जितनी भी इमेजेस हैं उनका स्लाइड शो यहाँ पर सेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरी इमेज यहाँ पर शो कर रही है और कुछ ही जैसे आधे घंटे बाद पिक्चर्स में जो भी दूसरी इमेज होगी वो यहाँ पर दिखने लगेगी। तो उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से टाइमिंग कंट्रोल सकते हैं कि भाई कितने टाइमिंग के बाद आपको दूसरी पिक्चर आपकी होम स्क्रीन पर चाहिए, जैसे 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 6 घंटे बाद। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है विंडोज स्पॉटलाइट। इसमें विंडो ऑटोमेटिकली आपको कुछ टाइम पीरियड बाद आपका जो वॉलपेपर है वो चेंज कर देता है। मैं जनरली इसी को ऑन करके रखता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे वॉलपेपर सेट करता है। और हाँ, आप जैसे यहाँ से वॉलपेपर नहीं सेट करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाकर जहाँ पर भी आपकी इमेज सेव है उसको इमेज को राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपकी जो इमेज है वो आपके होम स्क्रीन में सेव हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वो इमेज यहाँ पर शो हो गई है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ लैपटॉप के वॉलपेपर की कुछ सेटिंग्स के बारे में। तो आपको यहाँ पर जाना है नीचे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा चूज अ फिट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो पहला ऑप्शन है फिल, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्टेड रहता है। ये जब सिलेक्ट रहता है तो आपकी जो इमेज है वो आपके लैपटॉप की पूरी स्क्रीन को कवर कर लेती है। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर है वो है फिट। तो आप जब इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर फिट हो जाएगी, मतलब इमेज का जो साइज है सिर्फ वही साइज आपको यहाँ पर लैपटॉप के वॉलपेपर में देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप जो ये बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लैक करना है तो मैंने यहाँ पर ब्लैक पर क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड में ब्लैक हो जाएगा। अब बात करते हैं जो तीसरी सेटिंग है इसकी। तो तीसरी सेटिंग ये है कि स्ट्रेच, मतलब जो आपकी इमेज है वो स्ट्रेच हो जाएगी और पूरे लैपटॉप की स्क्रीन को कवर कर लेगी। जो इसके बाद जो चौथा है वो टाइल से यहाँ पर मतलब कोलाज बन जाएगा आपकी इमेजेस का। तो इस प्रकार से भी आप अपना वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। और वापस से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेंटर दिखेगा, तो आपकी जो इमेज है वो सारे जगह से हटके वो सिर्फ सेंटर में आ जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे स्पैन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो स्ट्रेच हो जाएगी, वापस से आपका जो है पूरा लैपटॉप स्क्रीन कवर कर लेगी। और चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। तो वापस से आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लॉक
स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी सेम आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो यहाँ से आप अपने लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट पिक्चर सेलेक्टेड है, तो यहाँ पर आप विंडोज स्पॉटलाइट कर सकते हैं या अपनी जो मन पसंदीदा पिक्चर है उसको यहाँ से यदि आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप वापस से जैसे सेम इमेज आप लगाना चाहते हैं जो आपने होम स्क्रीन में लगाई थी, तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से चूज पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो ये वाली इमेज जो हमने पहले होम स्क्रीन पर अपने लगाई थी तो वो अब हमारे लॉक स्क्रीन पर भी दिखाई देने लगेगी। तो इस प्रकार से आप अपने लैपटॉप में जो वॉलपेपर है उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, यदि आप भी एक लैपटॉप यूजर हो और आपने अभी तक अपने लैपटॉप में हार्ड डिस्क का पार्टीशन नहीं किया है तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।